कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में एक सवाल पूछा गया। सवाल यह था कि क्या नेशनल गवर्नमेंट किसानों को कॉम्पनसेशन, जो हमारे 700 किसान भाइयों की मृत्यु हुई, वो उनको कॉम्पनसेशन देने वाली है, हाँ या ना। और जवाब मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों के का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान, 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। रिकॉर्ड नहीं है तो कॉम्पनसेशन किसका? तो हमने थोड़ा काम किया। अब पंजाब की सरकार ने, पंजाब के सरकार के पास 403 नाम हैं, उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है, और 150 कितने 152 लोगों को हमने नौकरी दी है, और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि 700 में से 500 तो यहां हैं, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, 403 ये हैं एंड 100 ये हैं, हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास हैं, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पनसेशन दे दें। पॉइंट ये है कि कोरोना में कितने लोग मरे, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। किसानों की कितने किसानों की मृत्यु हुई, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। और कारण यह है कि आप थोड़ा सा कॉम्पनसेशन, मतलब लाखों करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा कॉम्पनसेशन इन लोगों को नहीं देना चाहते हो। जब ये शहीद हुए, पार्लियामेंट में आपने इनको 2 मिनट की मौन व्रत नहीं दी। तो ये मैं यहां कहना चाहता था कि एक्चुअली ये गलत है। सरकार के पास रिकॉर्ड है, और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पनसेशन दे दें।